एमपी की पूर्ववर्ती शिवराज सरकार के बाद मोहन सरकार भी लगातार कर्ज पर कर्ज ले रही है, जिसे लेकर कांग्रेस अब हमलावर है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए कर्ज को लेकर निशाना साधा है। देखिए खास रिपोर्ट। एक बार फिर कर्ज ले रही मोहन सरकार। सरकार के कर्ज लेने से नाराज जीतू पटवारी। पटवारी ने मोहन सरकार पर साधा निशाना। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने फिर 5,500 करोड़ रुपयों का कर्ज लिया है, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि जो कर्ज लिया जा रहा है उसका ये क्या कर रहे हैं। प्रदेश में 2,00,000 करोड़ का अनुमानित बजट आया, लेकिन 38,000 करोड़ रुपए कर्ज अदायगी के लिए लिए हैं। 5,500 करोड़ रुपया मैं मानता हूँ 3,57,000 करोड़ रुपए का कर्ज शिवराज जी छोड़ के गए थे। पिछले साल लगभग 28,000 करोड़ रुपया कर्ज शिवराज जी ने लिया था और लगभग 14,000 करोड़ रुपया कर्ज 2 महीने में शिव आदरणीय मोहन यादव जी ने लिया। सवाल ये है, ये कर्ज लेते हैं तो करते क्या है? अभी अनुपूरक बजट आया था, बजट में कर्ज की अदायगी के लिए प्रोविजन है, मतलब अब लगभग 35,000 से 38,000 करोड़ रुपया पर साल हमें सिर्फ कर्ज का अदायगी देनी है लगभग, और कर्ज की किस्तें देनी है। जीतू पटवारी ने कहा कि किसानों के हित में कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही है। चुनाव में कई वादों को याद दिलाने कांग्रेस इस हफ्ते प्रदेश भर के हर ब्लॉक में प्रदर्शन करेगी। वहीं अगले हफ्ते किसानों के साथ जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। 23 के चुनाव चल रहे थे तो किसानों से की मांग थी 3,000 रुपया कुंटल की गेहूं की, 2,700 रुपए बीजेपी की सरकार ने हाँ की थी, जो आज बनी बीजेपी के घोषणा पत्र में आज तक एक शब्द नहीं कहा इसको लेकर। धान की कीमत 3,100, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ और किसानों के साथ आंदोलन करें। अभी इस हफ्ते हम सारे ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक अध्यक्षों के साथ किसानों के परिवारों को साथ लेकर हर ब्लॉक पे प्रदर्शन करेंगे। अगले हफ्ते जिला पे हम हर जिला स्तर पर किसानों के मिनी, आपने 2,700 रुपये की गेहूं की बात की थी, कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर धरना देकर हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, किसानों के हितों की आवाज़ उठाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो एमपी की पूर्ववर्ती शिवराज सरकार के बाद मोहन सरकार भी लगातार कर्ज पर कर्ज ले रही है, जिसे लेकर कांग्रेस अब हमला कर रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए कर्ज को लेकर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।